हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीपक मेहरोत्रा व्लॉग्स। तो अभी मैं मॉर्निंग के हो गए हैं 9 o'clock एंड आई एम गोइंग फॉर द ब्रेकफास्ट। तो नीचे चलते हैं, आई विल हैव अ ब्रेकफास्ट। तो अभी राइट नाउ आई एम इन त्रिवेंद्रम। तो आज का देखेंगे क्या प्रोग्राम हमारा बनता है, हम कहीं जाते हैं या फिर होटल में बैठते हैं, क्योंकि बाहर गर्मी काफ़ी है और एक्सपेक्टेड है दिन में शावर्स। वॉकिंग डिस्टेंस में है यहाँ पे क्या? तो अभी अपना हो गया ब्रेकफास्ट एंड देखते हैं कि हम टेंपल होके आ जाते हैं। अभी थोड़ा सा हम लेट हैं, आई थिंक 11 o'clock का टेंपल का टाइमिंग है और अभी हो गया 10:30। अभी मेरे साथ हैं कैप्टन ठाकर, तो ये वेरी गुड पर्सन, कलीग ऑफ माइन एंड कैप्टन विद मी। तो ये इनके साथ ही मैं ऑपरेट करके आया हूँ त्रिवेंद्रम में और अभी हम दोनों जा रहे हैं टेंपल। तो अभी हम पहुँच गए हैं पद्मनाभा स्वामी टेंपल, काफ़ी फेमस टेंपल है ये, तो मैंने एक वीडियो में अपना कवर भी किया था ये। तो आज फिर यहाँ से यहाँ पे मैं दर्शन के लिए आया हूँ। तो यहाँ पे कस्टम है कि सिर्फ आपको धोती पहनने का है और बाकी अपने जो है आपको रिमूव करने पड़ेंगे क्लोथ्स। तो सभी लोग यहाँ पे ऐसे ही कर रहे हैं और जो अपना सामान है वो यहाँ पे लॉकर में सबमिट कर देंगे। तो अभी अपने दर्शन हो गए हैं, बहुत बढ़िया दर्शन हुए। तो अब अपना कपड़े करते हैं चेंज और फिर आपसे अभी मिलता हूँ मैं थोड़ी देर में कपड़े चेंज करके। तो वी हैव चेंज माई क्लोथ्स और अब जा रहे हैं वापस होटल की तरफ। वैसे और प्लान भी था तो अब देखते हैं कि वैसे मतलब पता नहीं अभी कच्चा पक्का है प्लान, क्योंकि गर्मी भी काफ़ी है और टेंपल 11:20 पे क्लोज हुआ था, 12 o'clock फिर ओपन होगा। तो हमें तो दर्शन मिल गए टाइम से। अभी हम लोगों ने ऑटो कर लिया है यहाँ पे थोड़ा लोकल साइट सीइंग करने के लिए। तो हमारे साथ हैं, व्हाट्स योर नेम? उन्नी कृष्णन। तो हमारे साथ हैं मिस्टर उन्नी कृष्णन, ये आज हमें घुमा के आएंगे। तो यहाँ सामने से रास्ता जाता है कोवलम बीच पे। आइलैंड है और ये फॉरेस्ट है, तो यहाँ अंदर शूटिंग का लोकेशन भी है जहाँ पे एनाकोंडा की शूटिंग हुई थी। जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे पहुँचने वाले आइलैंड पे और यहाँ पर हो गई है बारिश शुरू और अच्छा खासा बारिश है। और ज़बरदस्त बारिश हो रही है, मौसम अच्छा हुआ है, लेकिन अब जाके देखेंगे कि हम उतर पाएंगे या क्या करते हैं। बेसिकली निकल तो लिए थे घूमने, लेकिन वही है यहाँ पे ना बारिश होती रहती है थोड़ी थोड़ी देर में। आज फोरकास्ट में भी था कि यहाँ पे होगी बारिश, तो अभी हमने बारिश से बचने के लिए ये थोड़ा सा कवर कर लिया है।
ताकि बारिश से बच जाए। तो अभी हम पहुंच गए हैं पुवार बैकवाटर्स, तो देखते हैं यहाँ पे हम बोटिंग करते भी हैं या नहीं, या सिर्फ घूम के ही वापसी आ जाएंगे। तो आप अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए, तो कॉल कर लेंगे आपको हम। नदी के नाम नहीं आ रहा है, आधा किलोमीटर के बाद दोनों साइड में हिस्सा मिलेगा। इसके बाद तो फर्स्ट मैंग्रोव मिलेगा, पूरा मैंग्रोव जस्ट लाइक अमेजन तरह का नेचुरल फुल राउंड वाला मैंग्रोव है, लंबा है, पूरा फिल्म का शूटिंग में उसका नाम बोल जाता है। तो यहाँ पे पुवार बैकवाटर्स है और ऐसे बोट चलता रहता है, 2 किलोमीटर्स का एरिया है, तो ये पूरा जंगल के आसपास कवर करते हैं। क्या अंदर तक आई क्या? चींटियां चढ़ रही है। एंट्री टिकट, टेंपल तो क्लोज्ड है, बट चलते हैं अंदर। तो यहां पर है बीच, तो अभी और अंदर चलते हैं, देखते हैं। तो दिस इज़ नाइस प्लेस। तो और पहले हम हो चुके हैं, तो इसलिए वहाँ पे हम अंदर गए नहीं, बैक वाटर्स किया नहीं। यहाँ पर है ये शिवा का स्टैचू, और काफ़ी बड़ा स्टैचू है ये। और ये यहाँ पे पीछे है टेंपल, और ये ऊपर दिखा रखा है समुद्र मंथन। तो समुद्र मंथन में जैसे देवता और राक्षस थे, तो बहुत ही सुंदर से बना रखे हैं। तो यहाँ पे लोगों ने बांध रखा होगा, कुछ मन्नत मांगते होंगे, तो इस पेड़ पे काफ़ी सारे इस तरह से एक ही चीज़ लटकी हुई है। तो ये बीच है यहाँ पे, तो देखते हैं यहाँ पे कुछ मंच करने के लिए नीचे उतरते हैं। बढ़िया, काफ़ी अच्छा सा सुंदर सा बना रखा है। एक सिर्फ यही है जिसको रास्ता पता है कैसे जाने का है, और अपना रास्ता बना के निकले जा रहा है, निकले जा रहा है, और सामने से इससे मिलने के लिए जिससे मिलने जा रहा है वो सामने खड़ा है या खड़ी है। और ये होता है मिलने का तरीका। अब ये बेचारी वेट कर रही है उसका, लेकिन वो तो आगे निकल गया है। तो अभी हमने ये टेंपल देख लिया है, और शिवा स्टैचू भी देख लिया है,
और साउथ में आओ तो इतने बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर मंदिर, सुंदर सुंदर मूर्तियाँ, तो रियली बहुत ही बढ़िया है। और सही से स्कल्पचर होते हैं यहाँ पे। तो अभी अपना हो गया और चलते हैं यहाँ से। तो अभी हम लोग आ गए हैं वापस और हालत थोड़ी ख़राब है, तो अब जाते हैं अपने रूम में। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी आई हैव रीच्ड होटल और काफ़ी थकान भी हो गई है और अब पता चल रहा है बाहर कितनी गर्मी थी, तो वहाँ पे तो आई वॉज स्वेटिंग अलॉट। अब रूम में आके बैठा हूँ, मुँह हाथ धोया है, तो अब एसी में थोड़ा रिलैक्स होता हूँ। तो बट इट वॉज़ वर्थ इट कि आज मंदिर भी होके आ गया और जो शिव जी का स्टैचू था वो भी देख लिया, तो इट वॉज़ अ गुड डे। और आपको भी मैंने दिखाया वो चीज़, मंदिर के अंदर तो फोटोग्राफी इज़ नॉट अलाउड, मोबाइल्स आर नॉट अलाउड, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आर नॉट अलाउड, तो इसलिए वहाँ अंदर तो नहीं दिखा सकता था कुछ। बट यह कि अंदर बहुत ही अच्छा बना हुआ है, बहुत ही पुराना वहाँ पे मूर्ति है, अराउंड 3000 ईयर्स से भी ज़्यादा पुरानी वहाँ पे मूर्ति है, और वो शालीग्राम से बनाई गई है। तो उसमें विष्णु जी लेटे हुए हैं शेषनाग पे, और उनके एक हाथ में जो नीचे की तरफ है वहाँ पे नीचे है शिवलिंग, और जो उनकी नाभि है, नेवल है, वहाँ से कमल का फूल निकल रहा है, और उस कमल के फूल में ब्रह्मा जी बैठे हैं। तो ब्रह्मा, फिर विष्णु, फिर नीचे महेश, यह पूरा है और बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया। और फिर हम जो शिव जी का स्टैचू देख के आए वो भी बहुत बेहतरीन बनाया गया हुआ है, और पीछे सी है और समुद्र की जो लहरें हैं, इवनिंग का टाइम हो तो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल और मस्मराइजिंग रहेगा वहाँ पे जाना। तो हमें दिन का टाइम था, हम तो होके आए हैं, तो इट वाज गुड। और अब यहाँ पे रिलैक्स कर रहा हूँ मैं, और अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल दीपक महेंद्रता व्लॉग्स, और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन, दैट विल कीप द मोटिवेशन अप टू मेक फर्दर न्यू वीडियोस, और आप लोगों के लिए और अच्छा मैं बनाता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट।